एकता विहार में मगरिब की नमाज पढ़ने आए नमाजी की बाइक मस्जिद के बाहर से हुई चोरी। पुलिस ने कहा 24 घंटे बाद होगी चोरी की रिपोर्ट दर्ज, पीड़ित नमाजी हुआ परेशान। आपको बता दूं, मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के भेजे गांव में रहने वाले नईम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए एकता विहार स्थित बिलाल मस्जिद में आए थे, जहां नमाज पढ़ने के बाद जब नईम ने अपनी बाइक अपाची देखी तो वह जहां खड़ी करके गए थे वहां पर उनकी बाइक अपाची नहीं खड़ी थी। इसके बाद परेशान हुए नईम ने अपनी बाइक को आसपास के इलाकों में ढूंढा, लेकिन उनकी बाइक नहीं मिल पाई। इसके बाद वह थकार कर नईम रामपुर दोराहा चौकी पर पहुंचे और चोरी होने के संबंध में पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस ने कहा कि चोरी होने की रिपोर्ट अभी नहीं लिखी जाएगी, 24 घंटे बाद आना तब तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये सुनने के बाद पीड़ित बाइक स्वामी परेशान हो गया और उसने मीडिया के माध्यम से मामले में इंसाफ की गुहार लगाई। गाड़ी उठ गई हमारी। कहाँ से उठी है? बिलाल मस्जिद के सामने से। क्या करना आए थे यहाँ पे? नमाज पढ़ने आया था मैं। कौन से टाइम की? मगरिब की। तो फिर उसके बाद ढूंढा बंडा? उसके बाद देखी गाड़ी, गाड़ी का पता नहीं था, चाबी मेरी जेब में थी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? अपाचा गाड़ी थी, लाल पट्टी की, वाइट कलर, वाइट कलर था। कहीं यहाँ पर आसपास कैमरे लग रहे हैं? जी हाँ, कैमरे हैं, पीछे भी, आगे भी, कैमरे लग रहे हैं। शिकायत पुलिस को वगैरह में करी? गए थे हम तो कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? वही कर रहे हैं, 24 घंटे में एप्लीकेशन दी जाएगी। 24 घंटे में आप देंगे एप्लीकेशन? 24 घंटे में बताए। कौन सा चौकी गए थे आप? रामपुर दोराहा चौकी। तो आपने कहना है मेरी गाड़ी चोरी हो गई है? हमने कहा उनसे, बोले आप तो कल तक देखें, तो 24 घंटे में, 24 घंटे में जो है एप्लीकेशन लगी, मुकदमा दर्ज हो। क्या चाहते हैं आप? बस ये चाहते हैं हमारी गाड़ी मिल जाए, वो सुनवाई कर दें, कुछ देखें ज़रा सर, कैमरे चेक करें। अब कितना समय हो गया है आपकी गाड़ी चोरी हुए हुए? एक घंटा लगभग हो गया। अभी तक पुलिस नहीं आई यहाँ पे? आपके साथ भी नहीं आई पुलिस? 112 पे आई थी, वो भी चौकी ले गए। 112 आई थी, वो भी चौकी में आई थी। ठीक है।